सत श्री अकाल दोस्तों, मैं रेशम सिद्धू, तुसी देख रहे हो के अल्फाज न्यूज़। हरियाणा च पंचायती राज चोणां दे दूजे पड़ा दे चोण प्रचार वीरवार शाम 5 बजे तो बाद बंद हो गए है। इस तो पहला उम्मीदवारां वल्लों हर वोटरां तक पहुँच बनाउंदे हुए डोर टू डोर करके वोट की अपील की गई। इस तरह पिंड वीरूवाला गुड़ा विखे सरपंच पद के उम्मीदवार सुखविंदर सिंह ने अपने साथियों नाल डोर टू डोर करते हुए वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि उन्हों का चोन निशान नारियल का पेड़ है, जिससे ज़्यादा तो ज़्यादा वोट दे के उन्होंने पिंड का सरपंच चुनने की अपील की। उन्होंने कहा कि उन्होंने जित पिंड के विकास की जित होगी। सुखविंदर सिंह ने कहा कि चाहे पंचायती चोणों में वोटर खुश करने लई हर किसी ने शराब या कई होर तरह के हथकंडे अपनाए होणगे, पर उन्होंने इस चोणों में किसी को भी शराब का लालच नहीं दिता। उन्होंने कहा कि एक बार वोटर वालों गुमराह होकर की गई गलती तो 5 साल तक पिंड वासियों को पछताना पवेगा। उन्होंने कहा कि पिंड वासी अपनी सूझबूझ नाल एक चंगे उम्मीदवार को वोट पाउण। सुखविंदर सिंह ने कहा कि पिंड के नौजवानों नू चिट्टे की चपेट तो बचाउण लई अते अपने बच्चों के भविख नू देखदे हुए उन्हां नू वोट अते सपोर्ट करन। पिंड के विकास अते बच्चों के भविख नू देख के जेकर पिंड वासी उन्हां नू सरपंच बनाउंदे आ तां ओह पिंड वासियों की उम्मीदां ते पूरा खरा उतरनगे। सुखविंदर ने कहा कि उन्हां दा सुपना है कि पिंड नू विकास की राह ते लै के जावे अते पिंड दे हर व्यक्ति नू खुशहाल देखना चाहुंदे आ। उन्होंने कहा कि हर जरूरतमंद अते गरीब व्यक्ति नू रोज़गार मिले, नौजवानों नू खेडां वल प्रेरित किया जाए अते लड़कियां नू उच्च सिक्ख्या लई उन्हां दे खास प्रबंध किए जाने लई ओह पूरे यतन करनगे। पिंड दे लोकां ने कहा कि उम्मीदवार सुखविंदर सिंह पढ़िया लिखा ईमानदार अते मिलनसार नौजवान है ते उन्हां नू उम्मीद है कि वह पिंड दा सरपंच बन के भाईचारे नू कायम रखू अते पिंड दे नौजवानां नू सही रास्ते लैके जाण लई वचनबद्ध होणगे। सुखविंदर सिंह ने पिंड वासियों नू अपील करदे हुए कहा कि वह किसी दे लालच जा के गुमराह ना होण, अपनी मर्जी नाल वोट देना हर किसी नू अधिकार है अते उस अधिकार की सही वरतों करदे हुए अपने दिलो दिमाग नाल सोच के उस उम्मीदवार नू वोट देन जो उन्हां दे पिंड दा विकास कर सके अते पिंड दे हर बंदे लई चंगा सोच सके। सुखविंदर सिंह ने पिंड दे हर गली मुहल्ले विच जा के पिंड वासियां नू उन्हां दे चोन निशान नारियल दे पेड़ ते ज़्यादा तो ज़्यादा वोट दे के जित नू यकीनी बनाउण लई अपील कीती। बहुत खुशी हुई है कि मेरे नाल मेरे पिंड दा बच्चे तो लैके बुजुर्ग हरेक वर्ग दा बंदा मेरे नाल जुड़ा हुआ ते बड़ी खुशी हुई है जी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸੋਹਣਾ ਵਧੀਆ ਪਿੰਡ ਵਿਚਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਕੱਚੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਕਿ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੰਗੇ ਆ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਠਵੀਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਸਾਉਣੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਕੁੜੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ ਵੱਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲੋੜ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਿਆ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਮਗਰੋਂ ਕਰਨੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਸ਼ੇ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਦਾ ਖਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ।